बात कर लेते हैं कि आज बाजार में आपको किस तरह का ट्रेड करना चाहिए। हमारे साथ फैयाज हुदानी हैं, कोटक कमोडिटी के। फैयाज, बुलियन मार्केट में कल की गिरावट के बाद आज थोड़ी सी तेजी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तेजी अभी कंटिन्यू रहेगी और बाई करने की सलाह होगी आपकी गोल्ड सिल्वर में? जी मिथुन जी, मुझे लगता है कि नियर टर्म में थोड़ी बाइंग बन सकती है। हमने काफी शार्प फॉल देखे है गोल्ड के प्राइसेस में इंटरनेशनल मार्केट में, और जहां तक करेंसी का सवाल है, मुझे लगता है कि शायद करेंसी भी थोड़ी यहाँ से डिप्रिशिएट हो, तो उस लिहाज से मुझे शॉर्ट टर्म में गोल्ड एक बार बाई लग रहा है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को मैं 29,760 के लेवल पे बाय रिकमेंड करूंगा। इसका टारगेट जो है वो तकरीबन 29,860 का रहेगा, ये इंट्राडे का कॉल रहेगा, और इसका स्टॉप लॉस जो है वो 29,670 का रहेगा। ठीक है, चांदी पर फैयाज क्या व्यू है आपका? क्या सिल्वर में भी आप इंट्राडे ट्रेडर को बाइंग की सलाह देंगे? जी हाँ, इंट्राडे के हिसाब से मुझे लगता है कि चांदी भी एक अच्छी बाई है, हालांकि मेरा पहला बैट जो है वो गोल्ड का रहेगा, बट अगर चांदी की भी बात करें तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल में उसमें बाइंग बन सकती है। 42,150 अच्छा स्तर है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाई करने के लिए। टारगेट जो है वो 42,500 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 41,980 का रहेगा। ठीक है, क्रूड के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका? क्रूड का प्राइस लगातार दबाव में है क्योंकि ओपेक के मेंबर्स के बीच उत्पादन कटौती को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। इराक ने कहा है कि उनको एग्जेम्पशन मिलना चाहिए उत्पादन में कटौती से, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हुआ है पहले, और इराक जो है वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है ओपेक के प्रोडक्शन कट की प्लानिंग को। ऐसे में क्या आपको लगता है कि क्रूड में हर तेज़ी पर बिकवाली करनी चाहिए? देखिए ऐसा है मिथुन जी कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कट प्रोडक्शन कट के न्यूज़ से प्राइस जो है तकरीबन एक बार $52 तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे, लेकिन $51-$51 के ऊपर प्राइस जो है वो सस्टेन नहीं हो पा रहे। उसी लिहाज से अगर हम पिछले 7 से 8 सेशन की बात करें तो नीचे की तरफ 49.50 के नीचे क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो जा नहीं पा रहे, तो एक 49.50 से लेके 51.50-52 एक तकरीबन $2.50 से $3 का बैंड है जिसके अंदर प्राइसेस घूम रहे हैं। जहाँ तक फंडामेंटल की बात करें, मुझे लगता है कि ये सब कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं एक बार सामने आकर प्रोडक्शन कट करना ही पड़ेगा। सभी ही क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ प्रेशर के अंदर है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है क्रूड ऑयल के प्राइस गिरने की वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और वो प्राइस वॉर जो है क्रूड ऑयल का कंटिन्यू रख पाएंगे, बल्कि मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे वो शायद जो है प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाए, प्रोडक्शन जो है अपनी अपनी तरफ से वो कट करना शुरू कर देंगे। नो डाउट सहमति पर आने के लिए वक्त लगेगा, एक दो प्लेयर शायद ऐसे ही होंगे जो शायद अग्री ना करें, लेकिन अगर ज़्यादा तो लोग भी अगर अग्री कर लेते हैं प्राइसेस प्रोडक्शन कट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएंगे। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो $51.52 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है, अगर वो लेवल निकल जाता है तो मार्केट मेरे हिसाब से सीधा नए जोन में चले जाएगा, जहां पर फिर नया बैंड जो है वो तकरीबन $50 से लेकर $63 का हो जाएगा। अगर मैं इंट्राडे के लिहाज से बात करूं तो मुझे बाय रिकमेंडेशन रहेगी 3350 के स्तर पर क्रूड ऑयल नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट जो है वो तकरीबन 3420 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 3310 रुपए का रहेगा। ठीक है, मेटल पे आपका आउटलुक क्या होगा फैयाज? आज के लिए अगर मेटल में ट्रेड करना हो तो आपकी टॉपिक क्या है? मेरे हिसाब से कॉपर एक अच्छी बाई है, ब्रेकआउट भी आया हुआ है कॉपर में, तो टेक्निकली भी सपोर्ट मिल रहा है, 312.50 के स्तर पर बाय कर सकते हैं, 317-318 तक का इसका टारगेट रह सकता है और स्टॉप लॉस जो है वो 309.80 रुपये का रहेगा। ठीक है, एग्री मार्केट में आज के लिए आप कहाँ पर ट्रेड करने की सलाह देंगे? एग्री में मुझे लगता है कि दो कमोडिटी है जो काफ़ी क्लियरली पॉजिटिव लग रही है, एक तो है आपका सोया ऑयल। मुझे लग रहा है कि सोया ऑयल एक नए ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा, पिछले 1.5 से 2 महीने से 645 से लेकर 675 की रेंज थी, बट अब मुझे लग रहा है कि शायद इसकी नई रेंज तकरीबन 660 से लेकर 690 की हो जाएगी। डिमांड सप्लाई सिचुएशन काफ़ी सपोर्टिव है, इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो पाम का प्रोडक्शन कम होने की वजह से, स्टॉक कम हो जाने की वजह से सोया ऑयल की डिमांड बढ़ चुकी है। US में भी प्राइसेस काफ़ी स्ट्रांग है, सीबोर्ड पर 35 सेंट का मार्क जो है काफ़ी क्रूशियल था, वो भी ब्रीच हो चुका है, तो हर जगह से जो है फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो सोया ऑयल के लिए एक पॉजिटिव दृश्य दिखा रहा है। मुझे लगता है इसे बाय करके चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका टारगेट 690 से लेकर 700 तक का हो सकता है। अगर कोई इमिजिएटली बात करे तो 670 के लेवल पर एक बार बाय कर सकते हैं नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, 680 से लेकर 685 तक का इसका टारगेट रहेगा। और मेरी दूसरी पीक रहेगी जीरा, हमने देखा है 20,000 से गिरते हुए जीरा 16,000 तक आ चुका है। हाँ। 16,000 से हमने थोड़ी एक रिकवरी देखी है, मुझे लगता है कि रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है, हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में 17,500 से लेकर 18,000 तक का रेंज देख ले जीरा के अंदर। अगर टेक्निकली बात करूं तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रही है, तो उस हिसाब से भी एक बाउंस लग रहा है जीरा के प्राइसेस में 17,700 से लेकर 18,000 तक। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का।
फयाज आपकी पहली कॉल। जी मेरी पहली पिक रहेगी जिंक 156 के स्तर पर, इसे बाय करें। 158.50 रुपये इसका टारगेट रहेगा और इसका स्टॉप लॉस जो है वो 154.90 रुपये रहेगा। और दूसरी कॉल। जी दूसरी पिक जीरा रहेगी, जीरा को 16,900-17,000 के स्तर पर बाय कर सकते हैं। 17,400-17,700 इसका टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 16,639 रुपये रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज बाज़ार में कहां पर कमाई के मौके हो सकते हैं।